हमारे आसपास किसी आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए पहले डेफिनेटली सिम्टम्स है तो can take वन aspirin। हार्ट अटैक कोई घरेलू उपाय भी है रिमोट एरिया में जो खून पतले का इंजेक्शन आजकल अवेलेबल है अब अगर हमारे आसपास किसी आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए पहली चीज कैसे उसे हैंडल करना चाहिए नाउ हार्ट अटैक में अगेन जिसका माइनर मेजर अटैक कोई भी आटा अटैक आया तो इमीडिएटली इमीडिएटली डॉक्टर पास जाना है डेफिनेटली सिम्टम्स आए तो समबडी कैन टेक वन आस्परिन जब तक पेट का एसिडिटी नहीं है किसका एसिडिटी है तो मैं एडवाइज नहीं करूँगा आस्परिन सबसे बेस्ट है इमिडिएटली एक आस्प्रीन पूरा गोली दे देने का तीन सौ मिलीग्राम का और जितना जल्दी डॉक्टर पास पहुँचना है क्योंकि जेन्युन हार्ट अटैक हो रहा है तो जितना जल्दी आप इलाज करेंगे उतना जल्दी आपका हार्ट का पूरा नॉर्मल हो जाएगा एक घंटे के अंदर क्या छः घंटे के अंदर रिकवरी होता है छः घंटे के बाद रिकवरी नहीं होता है छः घंटे के अंदर भी जितना जल्द सब तीस मिनट में पहुंचा तो पूरा रिकवर होने के चांस है जैसे डॉक्टर पास पहुँचेंगे आजकल बहुत इलाज है पहला वो खून पतले की इंजेक्शन देते हैं सपोज़ विलेज में है कहाँ जहाँ क्या थलाब एंजियोग्राम फैसिलिटी नहीं है तो उधर इमीडिएटली खून पतले का इंजेक्शन देते हैं उसमें क्लियर हो जाता है सेवनटी एटी लोगों का और सपोज आपका फैसिलिटी है जहाँ एंजियोग्राम हो सकता है इमीडिएटली एंजियोग्राम करके जो ब्लॉकेज उसको खोल देता है जो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टिक बोलते हैं उसमें पूरा हार्ट रिकवरी हो जाता है मेरा एडवाइज होगा इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्ट करें जितना जल्दी हॉस्पिटल पास पहुंचो मेल और फीमेल में इक्वली रिस्क होता है या किसी में ज्यादा होता है हार्ट अटैक के फीमेल में जब तक ओ, ये हार्मोन की वजह से जब तक तो तो मेनोपज नहीं है तब तो तक तो फीमेल का हार्ट का बीमारी थोड़ा कम है लेकिन ये यही मिसनोमर है कि फीमेल का हार्ट बीमारी नहीं होता है मेल का होता है ऐसे बात नहीं है मेनोपज तक तो तो मेल का ज़्यादा है लेकिन पाँच साल के बाद पाँच साल के अंदर मेनोपज के बाद दोनों में कुछ फर्क नहीं है और ये ज़्यादा डेंजर फीमेल का हार्ट अटैक हुआ तो पचास पचपन साल के बाद ज़्यादा रिस्क है क्योंकि उनका आर्टरी साइज छोटा है ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते है उनका जो अल्टरनेट सर्कुलेशन कम रहता है और उसके फीमेल का हार्ट अटैक हुआ तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट और जान को खतरा जो ज्यादा है हार्ट अटैक का कोई घरेलू उपाय भी है जैसे आप कहते हुए कहते घर के नुस्खे या कुछ ऐसा भी होता है आप बेसिक चीजें जिससे आप बच सकते हो अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम आ गए तो अच्छा अच्छा, अच्छा घरेलू इलाज हाँ घरेलू इलाज आप एक तो आपने कहा कि हॉस्पिटल ले जाओ बट कई बार है कि आप गाँव में है बहुत इंटीरियर में आप है तो कोई ऐसा इंस्टेंट घरेलू उपचार भी होता है करे तो हम एडवाइज नहीं करो एक ही चीज़ एडवाइज़ करो डेफिनेट सिम्टम्स हो रहा है तो आस्प्रीन एक गोली ले सकते हैं वो सर क्योंकि उस उसमें जेन्युन हार्ट अटैक आ रहा है तो वो खून को पतला कर देगा तो रास्ता खोलने की चांस है जितना जल्दी डॉक्टर को दिखा सकते हो तो इवन रिमोट एरिया में ये जो खून पतले का इंजेक्शन आजकल अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द डॉक्टर के पास ये जो खून पतले की इंजेक्शन है वो इमिडिएट इसी तो आजकल इवन रिमोट कंट्रोल एरिया में भी है और आजकल इवन धीरे धीरे कुछ साल के बाद ये जो ये सब डिवाइस पे जो आ रहा है तो इसी चीज में चेंजेस है तो इमीडिएटली आपको इंजेक्शन लेना चाहिए खून पतले के इंजेक्शन okay. जितना जल्दी लेंगे वो खुलने के चांस है।, है अगर किसी के फादर को हार्ट अटैक आया या मम को हार्ट अटैक आया तो फैमिली ट्री से अगली जनरेशन के आने की भी उतनी चांसेस है बहुत ज्यादा है तो ज्यादातर जेनेटिक है और कुछ भी वो लाइफ स्टाइल फूड है कुछ फैमिली में बहुत ज्यादा खाते हैं जैसे बताऊंगा मेरा एक मारवाड़ी फैमिली में तीन पेशेंट ऑपरेशन किया था तो उसने मेरे घर में बुलाया तो उसने मेरे को दिया मैं पहला मैं सोचा कि गुलाब जामुन है लेकिन देखा आपको भाटी था घी इतना लेते थे जब पूछा उन लोगों ने उनका महीने में करीब चालीस पचास लीटर घी खाते थे तो जो फैमिली हिस्ट्री देखते हैं ये तो जेनेटिक है कि आप सब मेरे पेशेंट बनने वाले हो हाँ बताया मैं बोला अच्छा और तरह ज्यादा करो तो हमारा सारा फैमिली बन जाए बोला पहले <laughs> काम करो घी बंद करो एक लीटर घर के अंदर नहीं आएगा जो जेनेटिक बोलते हैं कुछ जेनुन जेनेटिक है कुछ लाइफ वगैरह है तो जेनेटिक जेन्यून जो है उसके लिए पेरेंट्स को हुआ तो बच्चे को होने के चांस ज़्यादा है और कम उम्र में हुआ तो ज़्यादा तो कम उम्र होना चाहिए सपोज़ पेरेंट्स को 90 साल में हुआ तो बच्चों को इतना रिस्पेक्टर नहीं है लेकिन पेरेंट्स को सपोज़ 50-55 साल में हार्ट का बीमारी हो गया तो बच्चों को 10 साल पहले हो जाएगा तो इसीलिए उनको ज़्यादातर केयर लेना चाहिए